ये है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि लोग कंप्यूटर से कुंडलियां बनवा लेते हैं, कुछ जगह तो ऑनलाइन भी मैंने सुना है कि वो अपने आप ही कर लेते हैं, तो क्या ये कंप्यूटर से अगर ज्योतिष आचार्य भी अगर देते हैं बना के, तो क्या कंप्यूटराइज जो चीज़ होती है वो बिल्कुल सटीक होती है? मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के पास जब काम बहुत ज्यादा है वो अपने नीचे अपने अधीनस्थ कर्मचारी रख लेता है, ठीक है, असिस्टेंट जिसे मैं कहूंगा, ज्योतिष सीखने वाले भी हो सकते हैं और वो थोड़े पारंगत भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जब उनको हम सबसे पहला काम, क्योंकि आप सबसे पहला किसी को भी कुछ सिखाएंगे तो वो ज्योतिष जन्म पत्री बनाना ही सिखाएंगे जी, क्योंकि वही बेस है ना, उसी को देखकर हमने चलना है। तो चूंकि मानव मस्तिष्क है ना, वो कई बार गलतियां कर जाता है। जो ज्योतिष विज्ञान है वो सारा का सारा गणनाओं पर आधारित है, यानी गणित पर आधारित है, और गणित की जो कैलकुलेशन है सटीक वो कंप्यूटर ही दे सकता है। मैंने बहुत से ऐसी प्राचीन कुंडलियां भी देखी हैं, बहुत पहले तो क्योंकि समय बहुत होता था, ये सब था नहीं, तो बड़ी लंबी लंबी मतलब मैंने देखा है कि इतने मोटे मोटे रोल बने होते थे उनके अंदर, पूरा जो है उनका डिटेल होती थी, तो जन्म पत्री पहले भगवान श्री राम की, कृष्ण की जन्म पत्री, उसके बाद फिर व्यक्ति की जन्म पत्री, उसके बाद उस पर चंद्र लगन की जन्म पत्री, उसके बाद फिर उनका सूर्य लगन की, फिर एक सूर्य चक्र, उसके बाद नवमांश, और उसके बाद फिर बाकी जो 12 ग्रह हैं हमारे उनकी सबकी अलग अलग, समझ ही नहीं आता लोगों को, तो देखते हुए पता नहीं क्या भाई क्या लिख दिया। उसके बाद फिर उनका कढ़ारा, और फिर वो इंगला पिंगला दिशाएं हैं, ऊंची दिशाएं हैं, उसके बाद फिर विशोत्री महादशा आ जाती थी, उसके बाद फिर वृक्षण आ जाती थी, तो बड़ी लंबी लंबी कुंडलियां बनती थी जी, ठीक है। मैंने ऐसी बहुत सी अपने जीवन में बहुत सी कुंडलियां देखी है, और मैंने देखा है कि वो जो पहली गलती हो जाती है उसमें कई बार, क्योंकि गणना करने में, क्योंकि वो घटी पल के हिसाब से निकलता था हिसाब, जो कैलकुलेशन निकलती थी, एक घटी इतने पल की, एक पल इतने सेकंड का, और ये इतने मिनट का, या इतने घड़ी का, एक ढाई घंटे का एक पल, तो मेरा कहना है उन्होंने ये सारी चीजें जो है उनको कैलकुलेट करते करते ही जो है ना आदमी का दिमाग खराब हो जाता था। फिर आपने 9 के 9 ग्रहों की कैलकुलेशन निकालनी है और उनकी डिग्रियां देखनी है कि वो कितने डिग्री पर इस समय विराजमान है, जिस समय बच्चा पैदा होगा, तो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद तब कहीं जाकर उसको वो जो ग्रहों की स्थिति होती थी वो उसको वहां सटीक बिठाते थे। अब ये काम क्या हुआ कि चूंकि सारा गणनाओं का काम है, ठीक है, वो सभी आज जितने भी पत्रे हैं, अब जो नए जो पत्रा आता है अभी बहुत सारे आते हैं, तो वो सारे कंप्यूटराइज हैं सब, अब तो आपको घटी पल वाला कोई हिसाब नहीं है आपका उसमें। उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है कि सूर्य उदय सुबह 5:25 पर और सूर्य अस्त शाम को 6:20 पर या 22 पहले जो लगन तय करने के अंदर भी बड़ा समय लगता था कि लगन तय करना है कि व्यक्ति किस लगन में पैदा हुआ है, उसमें ही मतलब मैं समझता हूँ कि 1 से 2 दिन लग जाता था कैलकुलेशन निकालने में, आज वो सेकंडों का काम हो गया, इजी हो गया। और होता क्या था आप समझिए कि इतनी मेहनत बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि देखो मेहनताना तो पेट तो सभी के साथ लगा हुआ है, सही बात है, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग थे वो लोग ही बनवाया करते थे, उनको भी चलो ठीक है पंडित जी ने 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद कुंडली दी है भाई, ये देखो ये पूरी प्रेडिक्शन लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ, उसका मेहनताना भी वो देते थे। एक आम आदमी हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी स्थिति यही हुई वो, क्योंकि आसानी से लोगों तक जन्म पत्री का हिसाब पहुंचा ही नहीं, इसलिए दलित बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऐसे सज्जन हैं जो माताएं बहनें भी हैं जिनको यही नहीं पता कि भाई हमारा समय मतलब क्या समय था, किस दिन पैदा हुए, क्योंकि माँ बाप सोचते थे भी अगर किसी पंडित के पास जाएंगे तो भाई 100 रुपये तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि 100 रुपये में तो पूरा मतलब महीने से भी ज्यादा का खर्चा चल जाता था कि उस समय। सही बात है, तो वहां देने के बजाय वो सोचे चलो यार कोई बात नहीं, जीवन तो जैसा चल रहा है सब चली जाएगा, तो बहुत से लोगों ने बनवाई है, जिन्होंने बनवाई है उनका फिर उनमें भी मैंने देखा कि उनमें कमियां हो जाती है, और कमियां वो एक एक
एक पल की भी अगर आपने कैलकुलेशन इधर से उधर कर दी तो आप ये समझ लीजिए कि वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। हम कहेंगे कि आज दिवाली है, आप बोलोगे नहीं होली है, इतना अंतर पड़ जाएगा। कई बार मैंने देखा है कि उतावलेपन में भी बहुत से लोग कर देते थे इस काम को, चलो भैया जी ग्रह यहाँ बैठा हुआ अपना उतारा दिया। जब हम कंप्यूटर से वो बनाकर देखते हैं तो कंप्यूटर सेट करता है कि अगर ये 29.28 डिग्री पर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, यानी 30 पर तो चेंज ही होना है, ठीक। लेकिन उन्होंने वो देख लिया अगर 29.28 है, चलो भाई इसको जो है वो सातवें घर में बैठा दे, जबकि बैठना वो छठे घर में चाहिए था। अब क्या है कि अब हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं सातवें घर की, वो होना चाहिए था छठे घर में, तो हम जैसा कह रहे हैं वो कहानी नहीं बनती। तो मैं ये कहूंगा कि कंप्यूटर से बनी हुई जन्मपत्री बहुत अच्छी जन्मपत्री है, क्योंकि कैलकुलेशन ठीक आती है। लेकिन हम अगर उसकी प्रेडिक्शन पर जाएंगे, उसके फलित पर जाएंगे, वो नुकसानदेह है हमारे लिए। सर तो मतलब ये कि भले ही कंप्यूटर से बनाई जाए लेकिन किसी गुरु या ज्योतिष आचार्य के गाइडेंस में ही ये हो? नहीं, इस वह में नहीं। मैं तो बड़ा स्पष्टवादी हूं मित्रों कि जन्म पत्री आप अपने डिटेल दीजिए, कहीं से भी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है और आपको कोई समस्या है तब आप ज्योतिषी के पास उस कुंडली को लेकर जाइए। लेकिन वो जो पीछे लिखा होता है ना कि इस महीने से इस महीने तक के बीच में ये होगा, इस महीने से इस महीने, वो प्रेडिक्शन नहीं पड़नी, वो नहीं मिलनी, उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत है क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया वो तो फिक्स लैंग्वेज हो गई, वो फिक्स हो गई। अब आप सवाल जवाब किससे करेंगे? कंप्यूटर से तो कर नहीं सकते, व्यक्ति से ही करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति कौन है? वो ज्योतिषी है, ज्योतिषी के पास लेकर जाइए, सिर्फ उतना ही। उसमें क्या क्या क्या, क्या कहानी लिखी हुई है उसको बोल देंगे। जी सर। अच्छा साहिबान, अभी बहुत सारी बातें हैं ज्योतिष विज्ञान के बारे में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत वास्ट विषय है, बहुत ही विस्तृत विषय है। लेकिन अभी बहुत सारी बातें करी, लेकिन आज का ये जो एपिसोड है इसे हम यही विराम देते हैं क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन आप इंतजार कीजिएगा हमारे अगले वीडियो का यस टीवी पर, जिसमें ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वास्तु शास्त्र है या फिर टैरो कार्ड है, फेस रीडिंग है, और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं, तो उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, इस एपिसोड में आपने हमारा साथ दिया और हम चाहेंगे कि अगले एपिसोड में भी आप हमारे साथ रहें। फिलहाल आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जी, जरूर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सेवा में समर्पित हूँ, समाज सेवा में समर्पित हूँ, चाहता हूँ कि लोगों तक सच्चाई जाए। बिल्कुल सर। तो आप सबका भी दर्शकों बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए कि आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, और आप सभी और आपकी पूरी टीम का, यस टीवी की जो टीम है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बहनों भाइयों, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी मंच पर, यानी यस टीवी के मंच पर, ज्योतिष विज्ञान में। नमस्ते।